हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और ये है कैनन का पिक्सिमा G30। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें आप स्याही पिक्सिमा कैनन G30 में स्याही कैसे डालेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कि इसमें आप स्याही कैसे डालेंगे। ये है हमारा कैनन पिक्सिमा G30। इसमें ये इस तरह का स्याही डलाता है। ये देखिए, इसमें पिक्सिमा लिखा हुआ है कैनन का। ये ओरिजिनल है। आप जब भी दुकान में खरीदेंगे, आप इस तरह का स्टिकर ध्यान दीजिएगा कि ये ओरिजिनल होनी चाहिए। ये चार कलर आता है, ये ब्लैक, इसमें ना ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका रेट। रेट तो पता नहीं कहाँ लिखा है। ये देखिए, इसका रेट यहाँ पर लिखा है, ये 516 रुपये इसमें रेट लिखा हुआ है। और ये है जी, ये देखिए, इसमें यह है जी 1000, जी 10-10, जी 2000, जी 2002, जी 2010, जी 2012, जी 3000, जी 3010। हमारा जी 3010 है, ये देखिए, इसमें देख सकते हैं आप। और ये और भी किस किस प्रिंटर में हो सकता है, जी 3012, जी 4000, जी 10-10। ये सभी कलर में नंबर मेंशन किया हुआ है इसका, मॉडल नंबर। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा G30 यहाँ पर, जैसा कि उसमें लिखा हुआ था। ये देखिए, G30 यहाँ भी है, सभी में वैसे ही हैं, सब में देखिए। और इसमें 561 रुपये रेट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ था 561 रुपये इसमें भी, लेकिन ये हमको पूरा सेट 1000 रुपये में मिल गया। देखिए, दुकान में हम गए थे लेने, 1000 रुपये इस पर रेट लिखा हुआ है, 1000 में चारों सेट मिल गया हमको। और इसका नंबर है देखिए 790। ये देखिए, मैं चारों चारों रख के दिखाता हूँ। 790 ब्लैक, 790 येलो, 790 एम लिखा है, ये पिंक कलर का है, ये 790 सी जो हमारा ब्लू कलर का है। तो इसके अंदर हम आइए खोल के देखते हैं क्या है। इसको मैं ऑलरेडी पहले से खोल के रखा हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। इसमें मैं पहले ही खोल के इसका स्याही डाल दिया हूँ, और मैं आपको वीडियो बनाना भूल गया था। बाद में अचानक से याद आया कि आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से पैकेट में पैक होता है। और ये इसका, इसमें कुछ नहीं होता है, इसको सिंपली आप खोलिए। ये देखिए, इस तरह से खोलिए और ये डायरेक्ट है, ये नीचे गिराएंगे तो इसमें गिरने लगेगा। इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर का यहाँ से ऐसे पकड़िए और ऐसे उठा दीजिए, उठा के छोड़ दीजिए। ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड से ये अटक जाता है। यहाँ पर हमारे सारे तीन कलर लगते हैं और यहाँ पर ब्लैक कलर का लगता है। ये देखिए, ब्लैक में ही खोल के दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर जैसे ये है, ये खुला है, पूरा खुला रहता है, इसमें रबड़ का ढक्कन लगा हुआ है। ये सारे सभी में, ये मैं अभी कौन से कलर आपको दिखा रहा था, ये पिंक कलर का है। ये देखिए, पिंक कलर का अगर मैं इसमें डालूं तो पिंक बीच में है। ये देखिए, ये पिंक में कुछ नहीं करना है, इसको उठाना है और सीधे इसमें लगा दीजिए, ये अपने आप गिरेगा। ये देखिए, इसमें गिरता है, और अगर नहीं भी गिरेगा तो आपको दबा के करना है। देखिए, मैं दबा रहा हूँ और इसमें जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आप इसको पूरा फुल कर सकते हैं, मैं फुल भर दिया हूँ। अब इसको आप ढक्कन बंद करके रख दीजिए, जब भी आपका वो ख़त्म हो जाएगा आप उसमें डाल सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, आप वीडियो पे बने रहिए। ये देखिए, इसमें मेरा इतना बचा हुआ है, ऐसा सभी में है। देखिए दोस्तों, सब में है, ये सभी में है। बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। बड़ा का जैसे ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर ज़्यादा यूज होता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। और ये कलर है, ये तीन कलर जो है, सभी कलर मिला के हमें बहुत सारे कलर प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ नहीं करना है, इसको आपको बंद कर देना है, ये बंद कर देना है। और बहुत बड़ी बात ये है कि ये देखिए, हमारा स्याही ख़त्म हो गया था। स्याही ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आप देखिए, अपने आपके पास अगर प्रिंटर होगा, आप उसमें देख सकते हैं, स्याही ख़त्म हो जाने के बाद ये पूरा ख़त्म हो गया था। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही ये बाहर नहीं आ रहा है ना, इसको बाहर लाते हैं, इसको नीचे गिराते हैं, ऐसे रख देते हैं, जैसे ये ऐसे रखा हुआ है, आप इसको एक बार ऐसे उठाइए और इसको रख दीजिए, बस ये बंद हो गया। ये हमारा UPS चालू है और इसमें हम इसको चालू करते हैं बटन दबा के। ये ग्रीन लाइट जलता है जिससे हमें पता चलता है कि इसमें पावर आ गया है प्रिंटर में। अब देखिए, ये प्रिंटर ये इधर उधर घूम रहा है, अब ये चालू हो गया है। अब इधर हम अपने तरफ से खींचेंगे लेकिन ये अपने आप उधर चला जाता है, इधर अपने हम अपनी मर्ज़ी से इधर बुला रहे हैं, इधर आए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पूरा स्याही ख़त्म हो गया था, मैं इसमें भरा हूँ, आप देखिए, ये आप ये देखिए, सब मैं भर दिया हूँ। मैं भरते टाइम का वीडियो नहीं बना पाया मैं। ये देखिए, इसमें आप इसको दबाइए, इसको
दबा के ऐसे ऊपर करेंगे, ये जो नीचे ब्लू कलर का है ये ब्लैक कलर का है, इसको दबाना, आपको दबाना नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बस। ये देखिए ये हमारा काटेज है, इसमें स्याही जाता है और ये जो पाइप है यही सबसे आता है, इसका ब्लैक से ब्लैक गया है और ये सारे तीनों कलर का ये तीन पाइप है, मतलब यहाँ पर चार पाइपें हैं और यहाँ से जाता है। इसको आपको खोलना नहीं है, जब भी आपका स्याही ख़त्म हो जाएगा प्रिंट करने में दिक्कत आएगा, प्रिंट आपका एकदम प्रिंट आएगा ही नहीं, तो आप इसको कुछ नहीं करना है, इसको बाहर निकालना है। आप इसको बाहर निकालिए, बाहर निकालने के बाद जैसे क्या होता है कि आप सिरिंज देखे होंगे, सिरिंज जो हम सुई लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो सिरिंज लेके इसमें ये जो है ये देखिए इसके ऊपर रखना है, सिरिंज के अंदर ये घुस जाता है और ऊपर से दबाएंगे तो इधर से झाग निकलेगा, ठीक है। और अगर झाग निकल रहा है जान लीजिए तो यही यही जो है ये हमारा जिस कलर का है, जैसे ये ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर को अपने सिरिंज में लेंगे 2 या 3 ml और इसमें डाल के भर देंगे, ठीक है। और अगर आप उतना भी नहीं करेंगे मत करिए, इसको इस नल में लगा दीजिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ लगा दीजिए और ये सिंपली इसको दबा दीजिए ऐसे, ये दब गया और ये जो है यहाँ से ऐसे दबा देंगे तो अपने अपने घुस जाएंगे। क्या घुसेगा, ये जो है जैसे कि हम उठाए हैं, अब ये तो ऊपर चला गया, इसमें घुसेगा कैसे, ढक्कन तो बंद हो गया, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए ढक्कन बंद हो गया लेकिन जो पाइप है हमारा जो कार्टेज बॉक्स है ये जो हम जिसमें स्याही रहेगा उसके लिए है, ये दबा दिए, ये दबा दिए। अभी दोस्तों देखिए आप, मैं कब से बता रहा हूँ कि ये चारों पाइप खाली है, ये भी खाली है, ये हम अभी भर दिए हैं, ठीक है। इसमें अब कैसे हम आप क्या बोलते हैं कि ये पाइप में स्याही कैसे आएगा, स्याही इसमें जाना है, जब इसमें स्याही रहेगा तो प्रिंट करेगा, कुछ नहीं करना है। ये देखिए इसको हम वापस अंदर ढकेल देते हैं, अगर आपका अंदर नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, आप इसको यहीं रहने दीजिए, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप सिंपली ऐसे उठाइए और रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बताता है कि क्या बोलते हैं अब प्रिंटिंग मोड में सही है, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले वो कार्टेज में स्याही भरना है, नहीं तो फिर भी समस्या आएगा हमें, कुछ नहीं करना। ये देखिए ये सेटिंग दबाना है, सेटिंग है, ये है सेटिंग, ये सेटिंग को एक बार क्लिक करिए और ये जो प्लस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 11 जो भी है, लेकिन 10 नहीं करना है, कैंसिल कर देते हैं, 10 करना है इसको, ये सेटिंग 10 से ज़्यादा नहीं करना है, 10 से कम भी नहीं करना है, ये देखिए 10 कर दिए। अब दोस्तों देखिए आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को, ये कलर बटन है, कलर को दबाइए और ये प्रोसेसिंग मोड में चला गया, ठीक है। इसमें जो भी बताता है आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, ये क्या बोलते हैं कि आपका जो स्याही है, स्याही को जो ये बॉक्स में है 1 2 3 4 ये ब्लैक ब्लू और ये पिंक और येलो, ये जो हैं ये सबको खींच के वापस आपके कार्टेज में डालेगा, जिससे आपका कार्टेज भर जाएगा और आपको कभी भी प्रिंट करने में परेशानी नहीं होगी। ये ऐसा क्यों बता रहा है, नहीं चल रहा है, ये इरर आ रहा है, इरर आने का रीज़न क्या है, आप इसको एक बार कैंसिल करिए, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल नहीं हो रहा है तो पावर बंद कर दीजिए, ठीक है पावर बंद कर दिए। अगर यहाँ पावर बंद करने में भी समस्या लग रहा है या समय लग रहा है तो कुछ नहीं करना है, देखिए आप यहाँ से बंद कर दीजिए या यहाँ पावर बंद कर दीजिए, पावर ये देखिए बंद हो गया, ये पावर ऑन किए, पावर ऑन करने के बाद फिर से देखिए चालू हो रहा है, ये ऐसा आने का क्या रीज़न है पता नहीं। तो दोस्तों वापस से आप यहाँ आइए, अब इसको खोलिए, ठीक है ये आइए इसको हम खोले, खोलने के बाद इसको हम बाहर निकाले, हो सकता है यहाँ पर लगा होगा डस्ट, ठीक है जैसे स्याही लग जाता है डस्ट, मैं अपना फ्लैश बंद कर लेता हूँ ताकि शायद आपको अच्छे से दिखेगा, ये देखिए फ्लैश में भी बंद करने के बाद भी नहीं दिख रहा, फ्लैश चालू कर लेते हैं तो शायद दिख जाए, ये देखिए ये साफ़ सुथरा है, ठीक है ये सही है, इसको हम डाल देते हैं, ये कलर वाले हैं और ये ब्लैक है, ब्लैक में क्या है, ये भी ठीक है लेकिन फिर भी एक बार हम कपड़ा से पूछ देते हैं, कपड़ा ये है, इसको हम पोंछ देते हैं, ठीक है पोंछ दिए, ये साफ़ हो गया, देखिए साफ़ हो गया। अब इसको हम लगा देते हैं, ऐसे लगा दिए, लगा देने के बाद ये बंद कर दिए, फिर ये और ये हमारा कलर वाला, ये ब्लैक, ये देखिए लिखा हुआ है ये कलर, सी फॉर कलर बी फॉर ब्लैक, ठीक। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इसको आप रख दीजिए ऐसे उठा के, ठीक है।
ये देखिए ये जो ये रेड लाइट जल रहा है, ये पता नहीं क्या चीज़ का है। अब इतना तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन आइए कोशिश करते हैं कि इसको बंद कैसे किया जाए। हो सकता है पेपर फंसा हो, इसको उठाइए। यहाँ देखिए पेज नहीं फंसा है कहीं, ठीक है, पेज नहीं फंसा है कोई। अब इसको बंद करके रख देते हैं, ठीक, ये रख दिए। ये पेपर फंसा है, इसका क्या करें, इसको किसी भी बटन को दबाए रहते हैं। हो सकता है कि हाँ, ये देखिए मैं बटन दबाया हूँ, कोई भी बटन दबाइए, कुछ तो काम करेगा, ये नहीं कर रहा है। इसको बंद करते हैं, यहाँ से पावर बंद कर देता हूँ, ये देखिए बंद हो गया। अब मैं इसको चालू करता हूँ, चालू हो गया। चालू होने के बाद यहाँ से देखिए फिर से ये पावर बटन दबाते हैं, ये प्रिंटर भी हमारा चालू हो गया, UPS चालू हो गया। दोस्तों लाइन पे बने रहिए, वीडियो भले लंबा होता जा रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। आपके साथ अगर ऐसा समस्या आ जाता है, आपका प्रिंटर कभी ख़राब हो जाएगा, तो आप परेशान होंगे, मिस्त्री के पास दौड़ेंगे, तो एक बार क्यों ना खुद ही कोशिश करें, खुद कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपके साथ ऐसा होगा और आप बना लें, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए, और वीडियो भला ही लंबा होता जा रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, ठीक। ये हमारा सेटिंग है, ये वाईफाई नेटवर्क का है, ये मोबाइल नेटवर्क का है, और ये इन्फॉर्मेशन, इसमें आपके इस प्रिंटर का पासवर्ड मिलेगा। दोस्तों मैं आपको एक और वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिस पे मैं इस वीडियो के आई बटन में डाल दूंगा, इधर देखिए, हाँ, इस वीडियो के आई बटन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, जो जिसमें मैं बताऊँगा कि इस प्रिंटर को, ये जो कैनन का पिक्सीमा G3010 है, इसको मोबाइल से वायरलेस कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ये जो है, ये देखिए, ये जो प्रिंट है, इसको मैं कलर प्रिंट अपने मोबाइल से प्रिंट किया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा उस वीडियो में, आप देख सकते हैं। लेकिन पहले हम जानेंगे कि हमारा प्रिंटर काम क्यों नहीं कर रहा है, इसका हम स्याही कॉटेज में कैसे डालेंगे। वो स्याही पूरा ख़त्म हो गया था दोस्तों, हो सकता है कि मेरा कॉटेज या टोनर ख़राब होगी, जो भी है कार्टेज ख़राब हो गया होगा, जिसके वजह से ऐसा समस्या आ रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाए जल्द से जल्द। पेपर निकाल के देखें, हो सकता है पेपर नहीं पकड़ रहा हो, लेकिन ये तो साफ़ है, ये देखिए इसमें कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, इसका फिर से इसमें पेपर डाल देते हैं, ठीक है, ये बंद कर दिए। अब ये सेटिंग को प्रेस किए हैं, ये सेटिंग प्रेस किए, स्टॉप एक साथ ही दोनों को प्रेस किए हैं। आप किसी भी बटन को ट्राई करिए, जैसे इस तरह का नोटिफिकेशन आता है इरर, अभी किस चीज़ का इरर है मैं भी नहीं जान रहा हूँ, लेकिन इस तरह का इरर आता है तो आप केबल वगैरह, ये केबल निकाल दीजिए इधर, ये जो है ये केबल निकाल के डाल दीजिए, बंद होता है कि नहीं, नहीं बंद होगा, ठीक है, केबल वापस से डाल दीजिए। आखिर ये ले क्यों नहीं रहा है, तो दोस्तों हमारा प्रिंटर ख़राब तो नहीं हो गया, कि आपको बताने के चक्कर में हम खुद ख़राब कर दिए, पर कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये जो आप इसमें देख सकते हैं, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ये पिंक है, और जो खाली दिख रहा है येलो है, आप जान लीजिए कि कौन सा बहुत जल्दी ख़त्म हुआ होगा। ब्लैक का तो हमेशा यूज होता है, इसलिए भरा हुआ है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये बंद करने के बाद भी इसे ही आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको अभी बताया था कि यहाँ पर एक बार इसको दबाना है, और यहाँ पर 10 लाना है, ये प्लस करके, फिर आपको कलर दबा देना है। कलर दबाने के बाद 10 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, 10 मिनट तक आपका प्रिंटर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। उसके बाद 10 मिनट के बीच में आपको इसको उठाना नहीं है, जैसे ही प्रिंटर बंद हो जाएगा, दो तीन बार अपने आप बंद होकर घूमना चालू होगा, आप उसको इग्नोर करिएगा, फिर जैसे ही बंद हो जाएगा और यहाँ पर ये घूमना बंद कर जाएगा, एकदम एक लिख देगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपका स्याही भर आ गया है पाइप में। अब तब आप इसको इसे खोल के आप इसमें देख लीजिएगा कि पूरा स्याही भरा हुआ है।
ठीक है। तो दोस्तों मेरा प्रिंटर लगता है ख़राब हो गया, इसको देखना पड़ेगा क्या हुआ है। तो आप लोग अपना प्रिंटर में स्याही भरिए और इन्जॉय करिए, मेरा तो ख़राब हो गया, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, आप सब्सक्राइब करने से कुछ पैसा मिल जाएगा मेरे को, और क्या बोलते हैं, मैं अपना प्रिंटर बनवा लूँगा, ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों देखिए मैं आपके लिए कैसा मस्त बढ़िया सा वीडियो बनाया कि आप अपने प्रिंटर में कैसे स्याही भर पाएंगे, और मेरा प्रिंटर भी ख़राब हो गया आप लोग के बताने के चक्कर में, तो अब मेरा बहुत बड़ा चूना लग गया, अभी मिस्त्री के पास ले जाना पड़ेगा, यहाँ स्याही भी भरा हुआ है वो गिरे ना, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट करिए ताकि मैं अपना प्रिंटर भी बना सकूँ और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।